नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। शेख अहमद अली संजय भाई की जय दुर्गा माँ कोल्ड स्टोरेज पर पुलिस फोर्स एवं संयुक्त आबकारी आयुक्त गोरखपुर टीम द्वारा छापेमारी से हो रही क्षेत्र व प्रदेश में निंदा। बड़ी खबर जनपद बलिया से आ रही है, जहां 358 विधानसभा सिकंदरपुर कस्बा निवासी के रहने वाले एक भावी प्रत्याशी समाज सेवी व वरिष्ठ नेता शेख अहमद अली संजय भाई के चेतन किशोर गांव स्थित जय दुर्गा माँ कोल्ड स्टोरेज पर थाना पुलिस फोर्स एवं संयुक्त आबकारी आयुक्त गोरखपुर जोन गोरखपुर की संयुक्त टीम द्वारा औचक छापेमारी की गई। इस दौरान छापेमारी की संयुक्त टीम को कोई भी मादक द्रव्य, अवैध शराब या अन्य आपत्तिजनक सामग्री उक्त टीम को नहीं मिली है। इस संबंध में वरिष्ठ सपा नेता शेख अहमद अली उर्फ संजय भाई ने जिला प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक की सह पर की गई कार्रवाई बताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद हमारी बड़ी ही रही लोकप्रियता से भयभीत लोगों के इशारे हम दागदार बनाने और अपमानित करने की जो साजिश रची जा रही है, इसका समय आने पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जिस समय आबकारी टीम और थाना पुलिस द्वारा छापेमारी कार्रवाई उनके कोल्ड स्टोरेज पर की जा रही थी, उस समय वह डीजीपी कार्यालय लखनऊ में किसी काम से गए हुए थे। हमारी अनुपस्थित का फायदा उठाकर की गई कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी के लोगों और कस्बे एवं प्रदेश के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मैं शेख अहमद अली संजय भाई सपा में 14 अगस्त को मैंने ज्वाइन किया और पहली सितंबर को मेरा सिकंदरपुर में ऐतिहासिक मेरा जो है स्वागत हुआ। उसको देखकर विपक्षी के साथ साथ कुछ अपने लोग भी घबरा गए और अपने लोग ही सिकंदरपुर के विधायक से सांठगांठ करके मेरी प्रतिष्ठा पे दाग लगाने के लिए आज दिनांक 20 सितंबर को लगभग 2 बजे कोल्ड स्टोरेज मेरे कोल्ड स्टोरेज माँ दुर्गा कोल्ड स्टोरेज पे करीब करीब 200 गाड़ियों के साथ पुलिस का छापा पड़ा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई कि क्या बात है, यहाँ छापा पड़ा है। बाद में मैं उस वक्त पुलिस मुख्यालय में बैठा हुआ था, मेरे लोगों ने कहा पुलिस मुख्यालय लखनऊ में सिग्नेचर भवन में मैं बैठा हुआ था डीजीपी कार्यालय में, और उसी वक्त फोन आया कि आपके कोल्ड स्टोरेज पे छापा पड़ गया। मैंने कहा कि पता करो कि क्या बात है। बाद में पता चला कि आबकारी विभाग ने छापा डाला है। मैं अपने लोगों से कहा कि खूब बढ़िया से ऊपर से नीचे तक दिखलवा दो, इज्जत में तो बट्टा लगा ही दिया इन्होंने छापा डाल के, लेकिन करा लो और जो उसका मेन अधिकारी हो उसे जरूर लिखवा लेना कि क्या मिला यहां पे। उन्होंने इन राइटिंग में लिख के दिया है कि कोई भी ऐसी मादक पदार्थ से लिए दिए कोई भी ऐसी चीजें जो नहीं मिली, जो नमूने के तौर रफा रखा जाए या उसको सील किया जाए या उसको उसके खिलाफ एफआईआर किया जाए। ये सिर्फ मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता को गिराने के लिए इस किस्म के काम किए जा रहे हैं और पब्लिक में इसका बड़ा रोष है। हमारे समाज के और हमारे पार्टी के लोग, वरिष्ठ नेताओं से लेकर सारे नीचे तक वर्ग तक रोष है और सारे लोग इस कार्रवाई की निंदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।